की छोटी सी वीडियो में हमारा जो हीरो है वो भाई जूली को छोड़ने आया होता है एयरपोर्ट, क्योंकि भाई जूली का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है टेनिस से रिलेटेड, और वो 3 हफ्तों के लिए वहाँ पे जा रही है। तो तभी जब बैन जो है गाड़ी से उतरता है उसको छोड़ने के लिए, तो रेडियो पे एक न्यूज़ आती है कि सरपेंट जेल से निकल चुका है और उसने एक बंदे को गिरफ्तार कर रखा है। तभी ग्वेन उसे बंद कर देती है रेडियो को। तभी बैन भाई उस न्यूज़ को सुन लेता है और वो कहता है कि ग्वेन रेडियो पर क्या न्यूज़ है, तो वो बताती है सरपेंट के बारे में। बैन के दिमाग में कुछ चलता है और वो जूली को कहता है कि चलो, जूली मना कर देती है और वो कहती है कि बैन तुम्हारी तरह मेरी भी एक लाइफ है, मुझे भी अपनी लाइफ को जीने का पूरा हक है, और वो वहाँ से चली जाती है। तो ग्वेन जब उसके पास आती है तो ग्वेन बैन को कहती है कि जाओ, तुम उसे रोकते क्यों नहीं। तो बैन कहता है कि हाँ मैं रोकूंगा ज़रूर, लेकिन सरपेंट को। तो ग्वेन जो है वो जूली के साथ चली जाती है और बैन जो है वो अकेला सरपेंट से भिड़ने के लिए चला जाता है। तो बैन भाई पूरे गुस्से वाले मूड में वहाँ पर आता है जहाँ पर सरपेंट को देखा गया था, और सरपेंट को बैन एक खिड़की में से देखता है। और फिर उसके बाद